नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन MK पे। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे PGMS रोहतक का जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आपका 4 सितंबर को होने वाला है, उसके एडमिट कार्ड आज आपके रिलीज हो चुके हैं। तो आप अपना एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेंट लॉगिन में जाके। तो जिसका जो एप्लीकेंट लॉगिन का जो पोर्टल है उसका डायरेक्ट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए एप्लीकेंट लॉगिन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते ही आपको अपनी जो एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड है वो और सिक्योरिटी कोड फिल करके लॉगिन कर लेना और अपना जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर लेना। तो इस प्रकार से आप अपना एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर पाएंगे। आपका 4 सितंबर को एंट्रेंस एग्ज़ाम है और उसके लिए बहुत सारे सैंपल पेपर्स हमने पहले ही शेयर कर रखे हैं हमारी वेबसाइट पे। तो अगर आप वो सैंपल पेपर आपने डाउनलोड नहीं किया तो वो डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि जिन स्टूडेंट ने आपके जो 31 जुलाई से पहले आपका फॉर्म फिल कर दिया था और एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया था, सभी कैंडिडेट को एडमिट कार्ड दोबारा से डाउनलोड कर लेना है। जो पहले पोस्टपोन होने से पहले जिन स्टूडेंट का एडमिट कार्ड आ गया था उन कैंडिडेट को भी अपना नया एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। तो यही सभी स्टूडेंट्स के लिए ही जानकारी है कि सभी स्टूडेंट्स को एक बार फिर से अपना एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड करना है और उसमें जो इंस्ट्रक्शंस आपको दे रखे हैं वो आपको फॉलो करने हैं 4 सितंबर को जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है। और इसके जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं उसके लिए भी वीडियो अगली वीडियो में हम आपको बता देंगे क्या क्या आपके इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। तो 4 सितंबर को आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम है, इसके एडमिट कार्ड रिलीज हो चुके हैं, डायरेक्ट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बाकी कोई डाउट हो तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो ये सब जानकारी थी आपके लिए इस वीडियो में। चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, आगे भी इसी प्रकार की सारी जानकारियाँ सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।